बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत बहुत कर कर बहुत तकलीफ है गुरु। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर। श्री शिवाय नमस्कार मित्रों, इस उपाय में आप एक गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या गलती करते हैं। गुरुजी ने दूध में शक्कर डालने को बोला है, अब आपको शक्कर कौन सी डालनी है, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप क्या करते हैं, दूध में चीनी डालते हैं जो कि आपको नहीं डालनी, आपको गुड़ से बनी हुई शक्कर दूध में डालनी है। याद रखना, सफ़ेद चीनी आपको नहीं डालनी, जो शक्कर गुड़ से तैयार होती है वही शक्कर आपको दूध में डालनी है। और दूसरी गलती आपकी ये होती है कि आप दूध में शक्कर डालने के बाद शक्कर को दूध में मिलाने लगते हैं, अपने हाथ से या किसी चम्मच से दूध में शक्कर मिलाने लगते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना, दूध में शक्कर डालने के बाद सीधा आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवर्षि ने महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की ओर, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जैसे जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिवजी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना, शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए, ना जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ, कौन सा बताया था, पारिजात, उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा उठाओगे तब शंकर को चढ़े, वो पारिजात का फूल। पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है, आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार कर, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को, कभी स्वीकार नहीं। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दो चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए, बहुत कर जाए, चुक ही नहीं रहा, आज शिवरात्रि है, पांच शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, पांच शिवरात्रि, पांच के बाद में फिर अपन बात करेंगे, तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि पांच शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला, पांच शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है,
दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। आप समर्पित करें, बेलपत्र की डंडी का मुंह किधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ा, पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा। वो जो दूध लेकर आया उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली मात्र, उतना ही दूध लेकर उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए, फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, उस दूध की एक बूंदी भी अगर आपने पांच शिवरात्रि कर लिया, पांच शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर, वो शिव ओगड़ी है, शंभू ओगड़ी है। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज जो गुरु जी ने उपाय बताया है, ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन करना है, और पांच शिवरात्रि लगातार आपको ये उपाय करना है। आपका कितना भी कर्ज है, महादेव की कृपा से अवश्य उतर जाएगा। उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की जो डंडी है उसका मुख आपको जलाधारी की साइड रखना है। अशोक सुंदरी वाली साइड आपको बेलपत्री की डंडी का जो मुख है वो रखना है। एक बेलपत्री चढ़ाने के बाद जो गुरुजी ने दूध में शक्कर डालने के लिए बोला था, वही शक्कर डाला हुआ दूध आपको चढ़ाना है। जब दूध जलाधारी से नीचे गिरने लगे, तब उसमें से थोड़ा सा दूध किसी कटोरी में वापस ले लेना है। इसके बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो थोड़ा सा दूध आपने वापस लिया है, उसे अपने घर आकर अपने घर की तिजोरी या घर के दरवाजे के ऊपर उसी दूध से एक बिंदी लगाना है। दूध उतना ही वापस लेकर आना है कि एक बिंदी लग सके, इससे ज़्यादा दूध आपको वापस नहीं लेकर आना। यह उपाय आप लगातार हर महीने की पांच शिवरात्रि को करेंगे, कितना भी आपका कर्ज है महादेव की कृपा से उतर जाएगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि कौन से उपाय से क्या लाभ होता है। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।